किचन मास्टर, आज मेरे घर बन रहा है मटका कुल्फी। तो दोस्तों, YouTube पे आप पहली बार देखेंगे कि गेहूं के आटा से मटका कुल्फी इस तरीके से बनता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो मैंने पैन के अंदर डाला है 1 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच गेहूं का आटा। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप ज़्यादा आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को सही से भूनना है गैस का फ्लेम लो करके। दोस्तों, इसमें खर्च बहुत कम है। अब बहुत कम समय में आपका ये मटका कुल्फी तैयार भी हो जाएगा। देखिए, आटा भून गया तो मैं गैस को ऑफ करती हूँ, इसे दूसरे बर्तन में पलट दे रही हूँ। जब तक आटा ठंडा होगा तब तक हम आगे के काम करेंगे। अभी बर्तन गर्म है तो इसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। और ड्राई फ्रूट्स में इस्तेमाल करना है आपको काजू बादाम, अगर आपके पास पिस्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन दोनों को हल्का भूनकर आप साइड में रख दीजिए। तो दोस्तों, दूध मैंने लिया है 750 ग्राम। दूध को पहले अच्छे से बॉईल करना है, उसके बाद आप इसमें से 150 ग्राम दूध को निकाल लीजिए। बाकी दूध को आपको गाढ़ा करना है। निकाला हुआ दूध में आप डालिए भुना हुआ आटा। आटा डालकर आप सही से पेस्ट बना लीजिए। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं जो गैस पे दूध रखे हैं। आप देख सकते हैं गैस पे रखा हुआ दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो उसके अंदर इस पेस्ट को डाल देना है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, आप छन्नी में डालकर छान लीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पक रहा है। तो अभी आपको इसे पकाना है 4 मिनट और। जब ये सही से पक जाए तो इसमें डालिए चीनी। आप अपने आटे के हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। मैं 150 ग्राम चीनी इस्तेमाल की हूँ 2 चम्मच गेहूँ के आटे के अंदर। ये सही से पक गया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो गया है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 इलायची। अब इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये जो है पाउडर तैयार हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे ये कुल्फी वाला पेस्ट। तो ये ठंडा हो गया है, उसके बाद मैं इसको पीस रही हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए ये जो सामग्री है सही से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में पलट कर 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। 1 घंटे बाद मैं फ्रिज से निकाल कर फिर से दोबारा इसको पीसूंगी। आप इसे 2 बार पीसेंगे तब भी आपका जो कुल्फी है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे दिखा रही हूँ 1 घंटे बाद। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का जम भी गया है। तो इसको तोड़कर अब फिर से दोबारा पीसना है। देखिए, हल्का सा जमा है, ज़्यादा नहीं जमा है। अगर ज़्यादा समय तक छोड़ देती तो ये बर्तन में ही जम जाता। तो दोस्तों, मैंने फिर से दोबारा जार को चला दिया है। अब बनाएंगे मटका कुल्फी। तो ये मैंने मार्केट से लाया है दोस्तों, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, मात्र 3 ठो बनाना है। अगर आपके पास
ऐसे मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप ग्लास में भी जमा सकते हैं। थोड़ा सा बचा है तो उसको मैं दूसरे बर्तन में जमा लूँगी। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कटी हुई ड्राई फ्रूट्स। अब इसे फटाफट पैक करेंगे। तो आप चाहें तो सिल्वर पेपर से भी इसका जो मुंह है बंद कर सकते हैं, नहीं तो जो प्लास्टिक आता है वो लगाकर आप सादा रबड़ से इसका मुंह बंद कर दीजिए। दोस्तों सही से बंद करके फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो झट से जम जाएगा। ऐसे खुला रखेंगे किसी बर्तन के सहारे ढककर तो थोड़ा समय लगता है जमने में। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घर में मटका कुल्फी बने और इंतज़ार करें ये सही नहीं होगा, इसलिए मैं झट से काम कर रही हूँ। इसे मैं 1 घंटा के अंदर जमा लूँगी। दोस्तों देखिए ऐसे मैं प्लास्टिक लगाकर रबड़ से इसका मुंह बंद कर दे रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी 1 घंटे बाद। तो दोस्तों 1 घंटे बाद मैं फ्रिज से निकाली हूँ। अब चलिए फटाफट खोला जाए, खोलकर देखा जाए कि सेट हुआ है कि नहीं। तो ये सही से सेट हो गया है। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इससे पहले गेहूँ के आटे से मटका कुल्फी बनाए हैं या खाए हैं। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइए। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस गर्मी में अभी आप ट्राई कीजिए, देखिए कितना टेस्टी बना है। थैंक यू।